मैं सूद, जो आपका हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, आपको सरकार की तरफ से कितनी मदद है? देखिए, हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, हमें कोई बच्चों के लिए ग्रांट इन एड नहीं मिलती है, क्योंकि हम इंटर कंट्री अडॉप्शन करते हैं। हमें कारा ने रिकॉग्नाइज किया है इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए, इसलिए कारा का ये प्रावधान है, जो इंटर कंट्री अडॉप्शन करते हैं उनके लिए ग्रांट कोई अलाउड नहीं है। जो हमारा जो हम अपना ऑर्फेनेज चलाते हैं, जहां हमने अडॉप्शन के लिए जो बच्चे रखे हुए हैं, उनका सारा खर्चा कहां पे है? हमारा पंचकुला में है, सेक्टर 15 में। ओके। शिशु गृह के नाम से है। तो हम जो भी हमारा 40 लाख का बजट होता है तकरीबन साल में, वो सारा हम या तो पब्लिक हमें मदद करती है डोनेशंस थोड़ी वक्त, और नहीं तो जो पेरेंट्स के पैसे से, या हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ओन रिसोर्सेज से। लेकिन आप बाहर से पैसा ले सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज से? जी नहीं, हम ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन फी है जो बच्चा अडॉप्शन में देते हैं, दैट इज अ मैंडेटरी फी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने फिक्स किया है, उसके हिसाब से हम। सो कपल्स अगर बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसकी फी कितनी है? $3,500 US पर चाइल्ड। हाँ जी। और अगर कोई लोकली अडॉप्ट करता है उसके लिए कितनी फीस है? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ₹50 हम पर डे मेंटेनेंस चार्जेस करते हैं, एक्चुअल हमारा जितना एडवोकेट चार्जेस हैं, और उसमें हमारा इसका मेडिकल है, जो एक्चुअल मेडिकल बच्चे पे, कुछ टेस्ट मैंडेटरी हैं जो बच्चे पे हम कराते हैं, 3-4 हज़ार। मसूद, एक कारा के ऊपर एलिगेशन है कि बिकॉज ऑफ द ल्यूर ऑफ मनी यू प्रेफर फॉरेन कपल्स टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ द इंडियन कपल्स, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, मैं अडॉप्शन में 20 साल से काम कर रही हूँ, तो ऐसा कभी भी हमें नहीं महसूस हुआ, और हमें कारा की ये गाइडलाइंस हैं कि सबसे पहले आपने इन कंट्री अडॉप्शंस करना है, तो हर एजेंसी को हमेशा कारा यही कहती है कि पहले आप इन कंट्री में दीजिए, विद इन कंट्री, अगर बच्चा प्रोसेस किसी वजह से विद इन कंट्री नहीं होता तभी हम इंटर कंट्री में करते हैं। मेरा ख्याल में ये जो गाइडलाइंस की आपने बात की, ये 2006 की गाइडलाइंस अभी शायद इंप्लीमेंट हो रही हैं, वो रिवाइज हो गई हैं लेकिन अभी नोटिफाई नहीं हुई। नहीं जी, क्या डिले है? 2006 की जो गाइडलाइंस है वो तो अंडर हम लोग अभी उन्हीं पे काम कर रहे हैं। 2011 में जो होंगी, 2011 की जो गाइडलाइंस है वो अभी नोटिफाइड होने वाली है। इसमें क्या फर्क है दोनों गाइडलाइंस? दोनों गाइडलाइंस में कुछ मॉडिफिकेशन हुई है 2006 की गाइडलाइंस में, तो अभी तक तो कारा ने दे हैव नॉट सेंट अस एनी। रंजीत, व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ गाइडलाइन चेंज हैज देयर बीन? नाउ द लीगल लैकुनास नीड टू बी प्लग्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हैपेंस सिंस कारा मींस इंटर कंट्री अडॉप्शंस, इफ ए चाइल्डलेस कपल गोज टू लॉज एन एप्लीकेशन इन एनी एम्बेसी, दे आर मैकेनिकली डायरेक्टेड टू कारा, व्हिच इज रॉन्ग। फर्स्ट, इट देयर आर फ्यू इश्यूज व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड। If the adoption is within the family fold, you need not go to CARA. I had the occasion to raise this issue at one of the CARA AGMs in the year 2007, where I was a special invitee. I said, why don't you put it in black and white? If it is an adoption within the family or adoption from a relative, CARA permission is not required. No, they said it is implied. Things should be made clear. Secondly, there is a Supreme Court judgment in the case of Anokha, which clearly says if the families are known to each other, then CARA permission is not necessary. So these are 2-3 very important issues which need to be plugged. Thirdly, what comes to my mind is it should be incorporated that adoptions made under the JJ Act of 2006 can also avail the benefit of inter-country adoptions. Now the beauty of the JJ Act is it is gender free, and anybody can adopt, any person of any nationality or religion can make an adoption. issues raised किए हैं, मैं सूद आप इनके ऊपर comment करना चाहेंगे क्योंकि आप कारा की guidelines के ऊपर function कर रहे हैं। इन्होंने family adoption की बात की, तो as per the, क्योंकि family adoption पे भी कारा ने कुछ guidelines किए हैं कि कारा से NOC लेना पड़ता है। I think it is a right thing। कई बार ऐसा होता है relation में से ही बच्चों की trafficking होती है, वो biological parents को छोड़ना नहीं चाहते। It is for the interest of the child जो कारा ने की है। मैंने भी एक तो आई हैड आल्सो गॉन फॉर, मैंने भी इंस्पेक्शंस की हैं उसमें। मेरा ख्याल कई बार बच्चे नहीं भी जाना चाहते हैं फैमिली को छोड़ के अपने रिलेशंस के पास, तो इट्स गुड दैट इफ देयर इज अ गवर्नमेंट चेक ऑन इट। की बात करें, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन इज ऑल दिस द अडॉप्शन ऑफ बेबीज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन एज इज अलेज्ड? As far as the commercial side of things is concerned, there have been scandals. There is a reported judgment of the Andhra Pradesh High Court. What needs to be done to check all this? We have got very stringent guidelines in place, right? Policing measures are there, but still they have not sort of failed to keep a very strong check. But as a deterrent, as a consequence, what has happened is the genuine adoptive parents,
they suffer quite a lot on account of scandalous situations in certain places, right. Not all the places. सरकार अगर हम अनाथालय की बात करें, एक नॉर्मल एक मानना है कि जो सरकारी अनाथालय हैं, जैसे शिशु गृह, जैसे हरियाणा स्टेट रन कर रही है, इनको प्रेफरेंस मिलती है, और जो प्राइवेट अनाथालय हैं उनको अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है। नेचुरल है ये तो, क्योंकि जो दूसरे वाले हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, तो उनको तो कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़ता है, लेकिन जो सरकारी हैं तो उनका तो अपने बने हुए हैं। लेकिन आपने कोई डीलिंग की है अनाथालय के साथ? नहीं मैंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ी ऐसे। मेरे पास मेरा जो अलग सा इंटरेस्ट, मैं उन बच्चों को चाह रहा हूँ, हालांकि होना ये भी चाहिए जैसा कि सर ने बोला या मैडम ने बोला, क्योंकि ये कानून थोड़े सख्त हैं, थोड़ा ऐसा सा होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई चाहता है उसको अडॉप्ट करने के लिए, बच्चा चाहता है तो उसको इजीली आसानी से, अगर वो उसको रख सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा आसान होना चाहिए। मसूद, मोस्ट अडॉप्शंस द प्रेफरेंसेस टू अडॉप्ट किड्स फ्रॉम विद इन द फैमिलीज, is that what your feeling also? For the inter-country adoptions, I think. In country में नहीं है। Parents ये चाहते हैं कि हम एक abandoned baby लेंगे। उसको prefer करते हैं जिन्होंने adoption करना है। They are not, they don't prefer the. और कोई gender bias भी है कि अपने लोग जो हैं वो ज़्यादा male child चाहते हैं या there is a change now which is सर ऐसा है कि आज से 10 साल पहले अगर जाएं तो सिर्फ वो बॉयज मांगते थे, लड़कियां नहीं चाहते थे, लेकिन आज की मैं आपको बता सकती हूँ कि हरियाणा स्टेट काउंसिल के पास आज लड़कियों के लिए वेटिंग लिस्ट लंबी है और लड़कों के लिए कम है। सो कई पेरेंट्स तो सिर्फ आते हैं कि हमें लड़की ही चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द फीमेल। ये जो है वो मेरे साथ भी ऐसा, क्योंकि हमारे पास लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो कई मेंबर्स आते, कई दोस्त आते, वो कहते अच्छा जी लड़की को के लिए पैसे मैं खर्च रहा हूँ, कि लड़की किस क्लास में पढ़ रही है, उसे कितना खर्चा आएगा। तो ऐसा अभी ये बहुत अच्छी बात है कि ये चेंजिंग जो आ रही है वो हर तरफ आ रही है ऐसी चेंजिंग। मसूद, एक लास्ट मंथ से कारा ने एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, उसका रिस्पांस कैसे आ रहा है आपको? वो बहुत अच्छा है रिस्पांस उसका, उसके साथ वो सारा डाटा अपने पास फ्रॉम ऑल ओवर द एजेंसी वो करेंगे, हम लोग तो पहले ही कर रहे थे उनके साथ, वी वर लिंक्ड विद देम फ्रॉम द लास्ट वन एंड हाफ। जो भी बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट होना है, जो अडॉप्शन करना चाह रहे हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन पूरी वेबसाइट के ऊपर? हाँ जी, पूरी वेबसाइट पे होगी, और रजिस्ट्रेशन भी कारा के लिए, सबके लिए ओपन है, रजिस्टर्ड भी पेरेंट्स वहाँ पे होंगे, इट्स अ गुड थिंग। रंजीत, नाउ देयर आर थ्री लॉज गवर्निंग अडॉप्शंस विद इन द कंट्री, वन इज द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, देन द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2006. Are there any issues arising out of these three acts which govern adoption in the country? I think as I said so before, we need an enabling legislation which will harmonize the provisions of these three enactments qua India signing the Hague Convention on Adoptions, so that there are no grey areas. That is the need of the day. So are there a lot of grey areas when it comes to one religion or people from another religion? You see, as far as the Hindu Adoption Maintenance Act is concerned, it is applicable to Hindus, right? As I said before, JJ Act is gender free. Foreigners who are not Hindus coming in to adopt, they have to go in for guardianship orders. And another thing I would like to sort of add on, you see, some checks and balances are already there in place. There is too much rigidity, at least for bona fide couples. Now supposing there is a couple from overseas, and when they put in their papers, they have to put in a home study report. It's generally a 40-page document. It has each and every aspect of your personal life, your professional life, your medical health, your insurance benefits, your incomes, your savings, whether you are suitable to adopt children or not. Masood, अगर अब नया सिस्टम एक हो गया है कि एक फॉरेनर कपल अगर उन्होंने बच्चा अडॉप्ट करना है, तो पहले गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देगी कि लोकल कोई आदमी नहीं है जो, या कपल नहीं है जो इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उससे तो फिर फॉरेन कपल्स की अडॉप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी? नहीं सर, अब भी हम उसी तरह अडॉप्शन करते हैं, हमें पहले हम एफर्ट्स करते हैं इन कंट्री में, अगर इन कंट्री में बेबी नहीं हमारा किसी वजह से अडॉप्ट हो सकता, तभी हम फॉरेन कंट्री में करते हैं, वो पहले भी चल रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए लोकल डिमांड नहीं है और वो? हाँ जी बिल्कुल है, कुछ ऐसे हैं बच्चे जिनको पेरेंट्स, क्योंकि जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो कई बार रंग पे, सेक्स पे,
या किस बच्चे की सेहत पे बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, वो नहीं जल्दी से पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो नहीं पसंद करते हैं तो उनको एक फैमिली तो चाहिए इसके लिए। फेयर कलर को प्रेफरेंस फेयर कलर को प्रेफरेंस है नहीं, लेकिन आजकल मैचिंग का बहुत करते हैं कि पेरेंट्स के साथ मैचिंग हो। और जैसे इन्होंने कहा फॉरेन के लिए अगर सारी हैं कि उनको होम स्टडी में करना पड़ता है, हम इंडियंस के लिए भी हम उनसे हर चीज़ मांगते हैं पूरी अपनी तसल्ली करके, तब हम बच्चा गोद में देते हैं। जब तक हम किसी भी पेरेंट्स को पूरी तसल्ली। व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन टू मेक अडॉप्शन मोर स्मूथ एज फार एज एनआरआई कपल्स इज कंसर्न्ड, बिकॉज़ आई थिंक देयर इज अ ह्यूज डिमांड फ्रॉम एनआरआई कपल्स। एब्सोल्युटली, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल्स द गाइडलाइंस नीड टू बी मॉडिफाइड, राइट? इट हैज टू बी clearly spelled out, adoptions in the family so folder recognized. So, different set of guidelines for the NRI couples? Not exactly. You see, then that will create a big hue and cry. Why should we have separate legislation for the NRI brethren community? I mean, these can be incorporated within the guidelines. First few very important issues, which will also sort of give assistance to the embassy so that they don't mechanically turn down on the applications. First of all, adoptions within the family fold should be recognized. This is a common South Asian phenomenon. Secondly, adoptions, inter-country adoptions under the JJ Act, which recognize also same-sex adoptions, should be incorporated within the guidelines. As of now, I must point out, under the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956, if you have a son, you cannot adopt a son. If you have a daughter, you cannot adopt a daughter. So these are some of the issues which need to be addressed. Important thing is, India must, the government or the guidelines, must come out with some sort of a protocol or a policy or a working group which says categorically that we have signed the Hague Convention on adoptions and all tangible benefits arising out of India signing the Hague Convention should be given due recognition. Just before we close, the last word from you, do we need some kind of a uniformity of laws as far as the international community is concerned? Worldwide thinking is to protect the rights of the child. And at all international platforms, seminars, conferences, the rights of the child are given maximum possible importance. We have signed the Hague Convention. We have taken a step forward, unlike India not signing the Hague Convention, but nothing is coming out of it. In fact, a couple of years ago, I had the opportunity to discuss this proposition of India having signed the Hague Convention with the Secretary General of the Hague. He said, I agree with you. If you have signed the convention, you are a sending country. And if the child is going to a country which has acceded to the convention, that is a receiving country. So in effect, even the adoption deeds, which are validly executed under the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956, they should be given due recognition. In fact, I must tell you one very important thing. Way back in 1997, we had one such application which was turned by a major embassy in New Delhi. Then we pleaded Article 8 of the European Convention of Human Rights, which talks of right to family life. And then the European Court of Human Rights passed damages against that particular government, saying you must pay damages for the sum of £42,000 for failure to recognize an Indian adoption deed validly executed under Indian law. So these guidelines should also take into account international instruments which give benefit. So there is a lot that still needs to be done, especially absolutely at the international level. We need specialist legal advice. Thank you very much for joining us in the discussion. Since only a small number of the abandoned babies in the country find parents to adopt them, it is apparent that the adoption regime needs to be simplified and made more transparent, especially when it comes to bona fide NRIs. With that, we end this edition of Prime. We meet again tomorrow with another issue. Namaskar, Sat Sri Akal.